क्लास 8 चैप्टर 11 नेम इज मेंस्ट्रुएशन. क्वेश्चन सेकंड इज ऑफ एक्सरसाइज 11.3. ए सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ अ ट्रेपेजियम क्लॉथ. अब इसमें क्या है, एक सूटकेस है, इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट गिवन है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट. ओके कि उस पर जो सूटकेस है वो कुछ टाइप का ट्रेपेजियम टाइप का है और उस पर क्लॉथ कवर बनाना है. हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर मीन्स उसकी चौड़ाई कितनी है, 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस. क्या है 100 सूटकेस के लिए कवर बनाना है. ओके तो अब इसकी देखो चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी दी है 96, लेंथ फाइंड करना पड़ेगी इसमें. ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये राइट कर लेंगे. गिवन क्या है लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट किसकी, सूटकेस की गिवन है तो ये अपन पहले राइट करेंगे गिवन में. इस तरीके से लेंथ विड्थ हाइट राइट कर ली, लेंथ 80 सेंटीमीटर विड्थ एंड हाइट. ओके अब इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सूटकेस. तो अभी देखिए अगर लेंथ ब्रीथ हाइट अलग अलग है तो ये क्यूबॉइड ही होगा, अगर लेंथ ब्रीथ हाइट सेम होती तो ये क्यूब होता क्योंकि क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती है. अब यहाँ पे अलग अलग है तो ये किस टाइप का होगा सूटकेस, क्यूबॉइड टाइप का होगा. इसका फॉर्मूला होता है टू लेंथ ब्रीथ मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ. ओके और इसे वैल्यू पुट कर देंगे, टू लेंथ अपने पास है 80 मल्टीप्लाई ब्रीथ अपने पास है 48. ओके अब यहाँ पे प्लस ब्रीथ 48 मल्टीप्लाई हाइट 24 प्लस हाइट 24 मल्टीप्लाई लेंथ 80. ओके तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 3840 इन दोनों का करेंगे तो 11152 प्लस 1920 इन दोनों का मल्टीप्लाई. गॉट इट. अब इन तीनों का प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6912. ठीक है मल्टीप्लाई करने पर 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया फाइंड करते हैं तो क्या आता है, यूनिट डबल हो जाती है मीन स्क्वायर में आएगी. गॉट इट. अब ये तो वन सूटकेस का है. ठीक है अब इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 100 सूटकेस. ठीक है 100 सूटकेस है अपने पास. ठीक है 100 सूटकेस है तो ये तो वन सूटकेस का एरिया है तो 100 सूटकेस का एरिया फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे वन सूटकेस के एरिया में. ये देखिए एरिया ऑफ 100 सूटकेस. ठीक है तो मतलब जो भी वन सूटकेस का एरिया उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 20 और लग जाएंगे. ठीक है अब क्या गिवन है, लेंथ गिवन है किसकी, जो भी अपन को सूटकेस पर जो कवर बनाना है ना तो उस कपड़े की लेंथ गिवन, लेंथ गिवन, लेंथ राइट करना, ब्रीथ गिवन है. तो ये देखिए ब्रीथ मतलब क्या दी है, ब्रीथ. एरिया ऑफ क्लोथ. ठीक है जो क्लोथ है उसकी लेंथ और ब्रीथ होंगी. ठीक है लेंथ फाइंड करना है और ब्रीथ गिवन है तो यहाँ पे अपन राइट कर देंगे एरिया ऑफ सूटकेस. ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो सूटकेस है उसी पर ही तो जो मतलब क्लोथ का कपड़ा लगाना है. ठीक है उसी के एरिया के तो इक्वल होगा, जितना एरिया होगा उतना ही कवर बनेगा, इसलिए जो एरिया ऑफ क्लोथ है उसका अपन एरिया ऑफ सूटकेस के इक्वल करेंगे. गॉट इट. एरिया ऑफ क्लोथ मीन्स क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इज इक्वल टू इसका एरिया आया है 82420 जो कि ये अभी आया है, जो भी कि अभी अपन ने राइट किया है. लेंथ फाइंड करना है, ब्रीथ अपने पास है 96 इज इक्वल टू 2400, लेंथ इज इक्वल टू ठीक है मल्टीप्लाई 96 है तो डिवाइड में आ जाएंगे तो इसे अपन 96 का डिवाइड कर देंगे. ये देखिए डिवाइड किस तरीके से करेंगे, 96 में 96 से 196 ठीक है तो कितना बचेगा 42. अब यहां से अपन क्या लेंगे 2 ले लेंगे. ठीक है तो 422 आ जाएगा. अब 96 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 384. 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, 11 में से 8 3 और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 3 कुछ नहीं. अब यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट कितनी है 4. ठीक है तो 96 4 जा
384 फोर टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो 384 कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, फोर टाइम। अब 20 और बच रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाएंगे, 20, तो ओके। तो ये देखिए अपने क्या गई लेंथ आ गई, ठीक है। अब ये बताइए जो कपड़ा जो होता है वो 48 मीटर में होता है, ठीक है, 48 मीटर में होता है, तो लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 100 का अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, 100 का डिवाइड करना, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ अपने पास कितनी हो जाएगी, 144 मीटर, ओके। क्योंकि जो कपड़ा अपन लेते हैं तो ऐसा बोलते हैं क्या 10 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, अपन क्या बोलते हैं इतने मीटर कपड़ा चाहिए, 10 मीटर या 15 मीटर, 20 मीटर, ओके। इसलिए अपन को इसमें कपड़े को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लेंथ जो होगी, ओके। तो डी अपनी गिवन थी और लेंथ अपने पास कितनी आएगी, 144 मीटर, ओके। दिस इज आंसर क्वेश्चन 2 कंप्लीटेड।